हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आयतन के बारे में पढ़ा और विभिन्न आकृतियों के आयतन के सूत्रों को जाना और उनके प्रयोग को जाना। तो आज हम जानेंगे घनाभ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार हमने घन की आकृति के बारे में देखा कि घन में कितनी फलकें, कितनी कोरें और कितने शीर्ष होते हैं, और उनके सूत्र के बारे में जाना कि हम घन का आयतन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम घनाभ के बारे में जानेंगे। बच्चों, घनाभ क्या होता है? घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है बल्कि असमान होती है। कोई दो विमाएँ समान हो सकती हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई समान हो सकती है, लेकिन तीसरी विमा जो है समान नहीं होगी बल्कि असमान होगी, या तीनों विमाएँ भी एक साथ असमान हो सकती हैं। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक घनाभ का चित्र है जिसमें छः फलकें, जैसे कि घन में छः फलकें थीं, वैसे ही घनाभ में भी छः फलकें होती हैं। घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोरे होती हैं। पिछली बार आपको हमने दिखाया था एक घन की आकृति। ये आप देखें कि यह एक घनाभ की आकृति है जिसे हमने दो छोटे घनों को मिला करके बना दिया है। तो इस घनाभ में आप देख रहे हैं बच्चों, यह एक फलक है, इसके विपरीत इधर भी एक फलक है, ऊपर एक फलक है, एक फलक नीचे है, एक बाईं साइड में है और एक दाईं साइड में। तो छह फलकें हो गई। और ये जो पॉइंट्स हैं, कोने हैं, ये क्या हैं? शीर्ष हैं। ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? शीर्ष हैं। 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 शीर्ष हो गए। और कोरे जो होती हैं, 12 कोरे होती हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही नीचे भी 4 होंगी, और 4 जो है खड़ी रेखाएँ, यानी कि 12 कोरे इसके होती हैं। तो घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें 6 फलकें, 8 शीर्ष और 12 कोरें होती हैं। बच्चों, घनाभ का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों, आयतन ज्ञात करने का एक सूत्र है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यदि किसी घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ज्ञात हो, तो उस घनाभ का आयतन हम जो है बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला, यदि हम लंबाई को L ले लें, चौड़ाई को B ले लें और ऊंचाई को H ले लें, तो V इक्वल टू L इंटू B इंटू H, ये जो है घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर, घन मीटर या घन किलोमीटर हो सकती है। तो जैसा भी आपको यहाँ दिया रहेगा, यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी विमाएँ सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो घनाभ का आयतन किस में ज्ञात होगा? वो घन सेंटीमीटर में ज्ञात होगा। यदि विमाएँ मीटर में दी गई हैं, तो आयतन जो है घन मीटर में ज्ञात होगा। इसी तरीके से अन्य यूनिट होने पर घन यूनिट में आपको आयतन प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, अब समझ लें कि आयतन है क्या चीज़, घनाभ का आयतन होगा क्या। तो घनाभ, यदि हमारे पास कोई घनाभ है, जैसे हम ईंट को देखते हैं, उस ईंट का आकार भी घनाभ के जैसा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यह एक ईंट जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो ईंट भी क्या है? घनाभ है। जिस कमरे में हम रहते हैं वह भी क्या है? असमान लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला कमरा होता है, तो वह भी एक घनाभ की आकृति होती है। तो बच्चों, जैसे कमरे में हम जितनी चीज़ें रख सकते हैं वही उसका आयतन होता है, उसी प्रकार यदि किसी घनाभ में हम कितनी भी वस्तु रख दें और जितनी वस्तु उसमें रखी जा सके, वही क्या होगा? उसका आयतन होगा। तो उसकी माप हम यदि ज्ञात कर लें कि कितनी वस्तु हम उस घनाभ के अंदर रख सकते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? उसका आयतन हो जाएगा। और आयतन ज्ञात करने का सूत्र आपने देखा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बच्चों, हमने सीखा कि घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है, घनाभ में कोरों की संख्या 12 होती है और घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। और घनाभ का आयतन जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि L गुणे B गुणे H के बराबर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यदि हम घनाभ को कुछ नाम दे दें, A B C D E F G H, तो यहाँ शीर्ष क्या हैं? शीर्ष जो हैं ये पॉइंट्स हैं, A B C D E F G और H, ये क्या है? 8 पॉइंट्स हैं और यही हमारे क्या हैं? 8 शीर्ष हैं। और फलक वर्गाकार या आयताकार हो सकते हैं। तो फलक आप यहाँ देखें, तो फलक क्या हो जाएंगे?
जैसे ए बी जी ई, तो ए बी जी ई ये हमारा एक फलक हो गया। इसके बाद इसके अपोजिट में डी सी एच एफ, डी सी एच एफ दूसरा फलक हो गया, और यहाँ आप देख रहे हैं बी जी एच सी ये वाला फलक तीसरा हो गया, चौथा फलक हो गया ए डी ई एफ। इसके बाद नीचे और ऊपर की सतहें जैसे कि ई जी एच एफ और ऊपर की सतह ए बी सी डी, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 6 फलके, 1 2 3 4 5 6, 6 फलके हो गए, और शीर्ष कितने हो गए, 8 हो गए, और जो कोरे होंगी वो कोरे 12 होंगी। कोरे हैं ए बी बी सी सी डी डी ए ई एफ ई जी जी एच और एच एफ, ए ई बी जी सी एच और डी एफ। इस तरीके से ये 12 कोरे हैं, आप किसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कोरे होंगे, 6 फलक होंगे और शीर्षों की संख्या 8 होगी। तो इस प्रकार से घनाभ के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिली। घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, फलक कितनी होती हैं, कोरे कितने होते हैं, और घनाभ का आयतन हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब घनाभ के आयतन के सूत्र को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो बच्चों, घनाभ के आयतन के सूत्र को हम कैसे प्रयोग करेंगे, इसे समझने के लिए हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न इस प्रकार है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ हमें लंबाई प्राप्त है कि लंबाई बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो हम बी लेते हैं वो क्या है, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हम जो एच लेते हैं वो है 7 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ केवल आपको मान रख देना है 5 × 6 × 7, और ये किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में आएगा, घन सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। अब इसे गुणा कर लें, 5 × 6 = 30 और 3 × 7 = 21, यानी 210, 210 घन सेंटीमीटर इस घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार यदि किसी भी घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको ज्ञात हो तो उसका आयतन बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, मिलते हैं फिर अगले अंक में। धन्यवाद।